नमस्कार, टी सेट चैनल में आपका स्वागत है। इस पाठ्यक्रम में कंटेंट के अंतर्गत इकाई 8 में अनुवाद विषय के संदर्भ में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इससे पहले भाग 1 में प्रकार के अंतर्गत कुछ प्रकारों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। तो अभी प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा अन्य प्रकार एवं आवश्यकता या महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, देखिए, इससे पहले जो प्रकार के संदर्भ में कुछ विषय आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसके बाद प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा तो कुछ नमूने प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मित्रों, एक नमूना प्रश्न देखिएगा यहाँ। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सेतु का निर्माण यह करता है। तो इससे पहले जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, जिस भाषा से, मतलब जिस भाषा की सामग्री को हम अनुवाद करना चाहते हैं, अनुवादित करना चाहते हैं, उसको स्रोत भाषा कहते हैं। तो जिस भाषा में हम अनुवाद करना चाहते हैं उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार जो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सेतु का निर्माण यह करता है, नमूना प्रश्न है ये। यहाँ आपके सामने चार विकल्प हैं, एक अनुवाद, अनुवादक, तीसरा है सामग्री, चौथा विकल्प है भाषा। तो मित्रों, सेतु का निर्माण, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो निर्माण जो है अनुवादक करता है, अनुवाद नहीं। तो इससे पहले कार्यक्रम में भी बताया था आप लोगों को, तो यहाँ सही विकल्प है अनुवादक। उसके बाद और एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्रोत भाषा पाठ तथा लक्ष्य भाषा पाठ, पाठ से तात्पर्य है यहाँ सामग्री या विषय, दोनों के बीच में सेतु का कार्य कौन करता है? मतलब स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा पाठ के बीच या सामग्री के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? एक अनुवाद, दूसरा अनुवादक, तीसरा भाषा के तत्व, चौथा है शब्द। तो चार विकल्पों में क्या सही होगा? मित्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ पहला विकल्प है अनुवाद। इस प्रश्न में अनुवाद सही विकल्प है। उसके बाद ध्यान दीजिए और एक प्रश्न, किसी ज्ञात बात को कहना ही अनुवाद है, किनका कथन है? हाँ, पहला विकल्प है जैमिनी, दूसरा विकल्प है भर्तृहरि, तीसरा विकल्प है कालिदास, चौथा विकल्प है पाणिनि। तो यहाँ किसी ज्ञात बात को कहना ही अनुवाद है, तो इसका सही विकल्प है पाणिनि। इस प्रकार कुछ कथन आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। और एक प्रश्न देखिए, ज्ञात का पुनर्कथन अनुवाद है या कथन डैश का है? तो यहाँ मित्रों चार विकल्प हैं, जैमिनी, भर्तृहरि, कालिदास, पाणिनि। तो ज्ञात का पुनर्कथन अनुवाद है या कथन डैश का है? तो सही विकल्प है जैमिनी। तो इस प्रकार जितने भी अनुवाद से संबंधित परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, तो इन परिभाषाओं के संदर्भ में किनके द्वारा दिए गए हैं इस प्रकार, तो उस परिभाषा में शाब्दिक, मतलब शब्दावली पर ध्यान देते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो याद रहेंगे। उसके बाद और एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना, यह कथन इससे संबंधित है। मतलब मित्रों ध्यान दीजिए, किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना, यह कथन इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? चार विकल्प हैं इधर, भाषण कौशल, व्याकरण, अनुवाद, भाषा शिक्षण। तो मित्रों, जिस परीक्षा के लिए हम बैठ रहे हैं, तो उस परीक्षा जो है हिंदी भाषा से संबंधित है, मतलब भाषा शिक्षण से संबंधित है। तो हमको यहाँ लगता है विकल्पों में भाषण कौशल होगा या भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। लेकिन मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, तो यह तीसरा विकल्प जो है अनुवाद से संबंधित है प्रस्तुत प्रश्न। इस प्रकार प्रश्न पूछने का तरीका जो है बदल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत
हम आगे बढ़ेंगे तो नमूने प्रश्नों के बाद, जैसे पाठ के आधार पर प्रकार के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे, तो इसमें दूसरा प्रकार है अर्थ सापेक्ष अनुवाद। इसमें चार प्रकार हैं, तो चार प्रकारों में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मित्रों आपको फिर एक बार दोहराऊंगा, अनुवाद के प्रकार वर्गीकरण हो या विभाजन हो, उसमें हम ए बी सी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे, उसमें सी है पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार या वर्गीकरण। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे अर्थ सापेक्ष अनुवाद, तो इसमें फिर उप वर्गीकरण या प्रकार हैं, तो उसमें शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद उसको कहते हैं अनुवाद, अनुवादक मूल पाठ के किसी भी अंश को ना तो छोड़े और ना अपनी ओर से नया शब्द जोड़े। तो अनुवादक जब स्रोत भाषा से जितने भी हम सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं, तो इसमें अनुवादक मूल पाठ के जितने भी अंश होते हैं उन अंशों को, बिल्कुल किसी भी अंश को नहीं छोड़ता है और नए शब्दों को अपनी ओर से बिल्कुल नहीं जोड़ता है। तो इस प्रकार अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में जब अनुदित करता है तब पूरी बात आ जाती है, तो अपनी ओर से कुछ जोड़ने का मौका नहीं होता है। जब इस प्रकार संपूर्ण रूप से अनुदित करता है तभी उस अनुवाद को सफल अनुवाद कहते हैं। उसके बाद अर्थ सापेक्ष अनुवाद में दूसरा बिंदु शाब्दिक अनुवाद के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सूचना प्रधान साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य, तथ्यात्मक और पारिभाषिक अधिक होते हैं वहाँ शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे मित्रों शाब्दिक अनुवाद उस विषय के लिए सटीक होता है सूचना प्रधान साहित्य, वैज्ञानिक सामग्री के लिए और तकनीकी साहित्य, तथ्यात्मक और पारिभाषिक अधिक होते हैं वहाँ शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कोई विज्ञान से संबंधित सामग्री है तो विज्ञान से संबंधित सामग्री के लिए यह उपयुक्त है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो वहाँ आप सही विकल्प चयन करना है शाब्दिक अनुवाद। उसके बाद तीसरा है इसमें उपविभाग में भावानुवाद। भावानुवाद उस विषय को कहते हैं इसमें मूल कृति का मूल भाव को ग्रहण किया जाता है, अर्थात भाव और अर्थ अनुवाद में पूरी तरह से अभिव्यक्ति करने की कोशिश की जाती है। मित्रों भावानुवाद उस विषय को कहते हैं जिसमें भाव और अर्थ का अनुवाद में पूरी तरह से अभिव्यक्ति करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि स्रोत भाषा की या स्रोत सामग्री से संबंधित, जैसे हम प्रत्येक शब्दों को ध्यान में रखते हैं उसके साथ साथ भाव और अर्थ अनुवाद में पूरी तरह से अभिव्यक्ति करने की कोशिश की जाती है, मतलब भाव को भी महत्व दिया जाता है उसके साथ साथ अर्थ को भी महत्व दिया जाता है। मित्रों यहाँ आपके सामने पर्दे पर प्रस्तुत किया मैं, तो अभिव्यक्ति में इस प्रकार भावानुवाद में भाव और अर्थ दोनों को महत्व दिया जाता है, मतलब भाव में ही इसका अर्थ निहित है। उसके बाद भावानुवाद में प्रत्येक इकाई का अनुवाद होता है और अनुवादक की और से कुछ जोड़ दिया जाता है, अतः मूल भाव नहीं घटे। जैसे अनुवाद जब करते हैं उस समय मूल भाव ना घटते हुए कुछ अंश जो है अनुवाद की ओर से जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार छूट है भावानुवाद के अंतर्गत। उसके बाद पाठ आधार के अंतर्गत दूसरा है अर्थ सापेक्ष अनुवाद। अर्थ सापेक्ष अनुवाद में चौथा है छायानुवाद। छायानुवाद में उसको कहते हैं जिस अनुवाद में मूल या स्रोत पाठ की छाया मात्र हो वह
छाया अनुवाद कहलाता है। जैसे जिस अनुवाद में मूल या स्रोत पाठ की छाया मात्र हो, मतलब छाया मात्र रहता है मूल पाठ का, तो वह छाया अनुवाद कहलाता है। उसके बाद छाया अनुवाद में अनुवादक के मन में मूल पाठ से जो प्रभाव पड़ा है उसी प्रभाव को अनुदित पाठ में अंतरित करने का प्रयास करता है। जब मूल पाठ या मूल सामग्री पढ़ते समय अनुवादक जिस प्रकार की अनुभूति का महत्व मतलब महसूस करता है उसी प्रकार महसूस करना लक्ष्य भाषा पाठ के अंतर्गत भी होना चाहिए अनुवादक को। उसके बाद हम दूसरे विषय के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। अनुवाद के अंतर्गत भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद। जैसे भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य को विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है कई लेखकों या रचनाकार द्वारा। जैसे उसमें दाराशिको ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जैसे धाराशिको से संबंधित इतिहास में देखेंगे तो मुगल काल में आपके सामने प्रस्तुत होगा दाराशिको उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो प्रश्न बन सकता है उपनिषदों का फारसी भाषा में यह अनुवाद किया था, कौन अनुवाद किया था? इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। सही विकल्प है दाराशिको। भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद के अंतर्गत दूसरा बिंदु है आपके सामने प्रस्तुत है। अब्दुल्ला मोफका ने पंचतंत्र की कहानियों का कलिलह दियनह करटक दमनक नाम से अनुवाद किया था। अब्दुल्ला मोफका ने भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद के अंतर्गत दूसरा बिंदु फिर एक बार दोहराऊंगा इधर। अब्दुल्ला मोफका ने पंचतंत्र की कहानियों का, अब्दुल्ला मोफका नाम से रचनाकार है विदेशी, तो इन्होंने पंचतंत्र की कहानियों को कलिलह दियनह करटक दमनक नाम से अनुवाद किया था। तो यहाँ प्रश्न दो तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद इसने किया था तो अब्दुल्ला मोफका एक विकल्प होगा। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि तो पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद इस नाम से किया गया है, तो वहाँ विकल्पों में यह होगा। पर्दे पर देखिए कलिलह दियनक करटक दमनक इस प्रकार विकल्प होगा, तो वहाँ सही विकल्प यह है, तो इसलिए इस विकल्प का चयन करना होगा। तो उसके बाद और एक तीसरा बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद टी एच ग्रिफिथ ने किया था। जैसे चार ऋग्वेद हैं तो उसमें ऋग्वेद का अनुवाद जो है पूरा अनुवाद मतलब ऋग्वेद का संपूर्ण अनुवाद, उसमें जितने भी श्लोक हैं संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो टी एच ग्रिफिथ ने। तो यहाँ प्रश्न सामान्य रूप से बन सकता है कि ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो टी एच ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद किया था, तो ऋग्वेद सही विकल्प होगा। तो इस प्रकार तीन या चार रूपों में इस विषय को लेकर प्रश्न पूछने का मौका है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो उसके बाद भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद में चौथा बिंदु है आपके सामने प्रस्तुत है। रामायण का लैटिन अनुवाद किया गया है, तो स्लेगल ने फ्रेंच में किया है, तो ए रोसले ने किया है। उसके बाद इटली में गोरेसियो, जर्मनी में मंडराड ने किया था। जैसे रामायण रचना को लेकर विदेशी भाषाओं में कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो इसमें लैटिन का अनुवाद स्लेगल ने किया था, तो उसके बाद फ्रेंच में ए रोसले ने किया था, तो दूसरा प्रश्न बन सकता है फ्रेंच में इसने अनुवाद किया, तो उसके बाद इटली भाषा में गोरेसियो ने रामायण ग्रंथ को अनुवाद किया, उसके बाद जर्मनी में मनराड ने अनुवाद किया था रामायण को लेकर। इस प्रकार यहाँ लैटिन, फ्रेंच, इटली, जर्मनी इस प्रकार चार भाषाओं में मुख्य रूप से
अनुवाद किया गया है। इसके अलावा अन्य जापानी, जर्मनी, उसके बाद चीनी, मतलब रूसी भाषा में भी अनुवाद किया गया था रामायण का। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण को भी अनुवाद किया गया, तो जे इलगिग ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था शतपथ ब्राह्मण का। तो शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद इसने किया था, जे इलगिग ने अनुवाद किया। जे इलगिग ने शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। तो इस प्रकार एक विषय को लेकर चार या पांच छह प्रकार में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा गहराई से प्रश्न पूछना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, तो यहाँ आपको जोड़ी के रूप में भी दिया जा सकता है। जैसे एक तरफ रचनाकार होंगे, दूसरी तरफ रचनाएं होंगे, तो उसको जोड़ी बनाकर फिर नीचे आपको जोड़ियों से संबंधित, मतलब विषय से संबंधित जोड़ी बनाकर फिर नीचे चार विकल्प होते हैं। तो इन विकल्पों को एक तरफ संख्या होंगे, एक तरफ ए बी सी हो सकते हैं, तो जोड़ते हुए मतलब विकल्प, सही विकल्प का चयन करना होता है। तो मित्रों, इस प्रकार आप कुछ विषय पढ़ते समय खुद आप प्रश्न बनाते जाइए। तो छठवां बिंदु है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद ए बी कीथ ने किया। तो इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद ए बी कीथ ने किया था। मतलब एक ही रचनाकार दो रचनाओं का अनुवाद किया अंग्रेजी में। तो यहाँ विषय है, भाषा है अंग्रेजी में, मतलब लक्ष्य भाषा है। उसके बाद स्रोत भाषा संस्कृत है। तो प्रश्न इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद ये भी कीथ ने किया था। तो यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण डैश है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, स्रोत और लक्ष्य भाषा, इस प्रकार चार विकल्प होते हैं। तो थोड़ा कठिनाई रूप में प्रश्न बनाना चाहता है तो इस प्रकार हो सकता है। जैसे फिर एक बार दोहराता हूँ मित्रों, परीक्षार्थी ध्यान दें। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद ये बी कीथ ने किया था। तो यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण डैश हैं। तो विकल्पों में आपको चार विकल्प होते हैं, चार विकल्पों में लक्ष्य भाषा एक विकल्प है, दूसरा विकल्प है स्रोत भाषा, तीसरा है स्रोत और लक्ष्य भाषा, चौथा है कोई नहीं। इस प्रकार चार विकल्प होते हैं। तो किस विकल्प का चयन करेंगे आप? सोच लीजिए कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण स्रोत भाषा है, तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा अंग्रेजी में अनुवादित किया है ये भी कीथ ने। तो इस प्रकार स्रोत भाषा ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण होता है। तो इसलिए सही विकल्प है यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण स्रोत भाषा है। उसके बाद भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद के अंतर्गत आपको सातवां है श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी गद्य अनुवाद किया गया है जे पारजीटर द्वारा। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी गद्य अनुवाद डैश ने किया था, तो यहाँ जे पारजीटर ने किया था। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं। तो मित्रों फिर आगे बढ़ेंगे, आठवां बिंदु वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद पद्यबद्ध अनुवाद के रूप में आर टी एच ग्रीफित ने किया था। तो उसके बाद नवा बिंदु है रामायण का लैटिन में स्लेगल ने, फ्रेंच में रोसले ने, इटली में मतलब इतावली में जी गोरेसियो ने किया था। उसके बाद दसवां बिंदु है शुक्ल का यजुर्वेद अंग्रेजी अनुवाद टी एच ग्रीफित ने, कृष्ण यजुर्वेद का कीथ ने किया था। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए कि बार बार टी एच
ग्रिफिथ और कीथ नाम के रचनाकार आ रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। हाँ, तो ग्रिफिथ के रचनाएं कितने हैं एक जगह लिखिएगा, उसके बाद कीथ से संबंधित रचनाएं एक पेपर पर लिखिएगा एक जगह, तो बार बार आ रहे हैं। तो एक संदर्भ में अगर हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो पुनर्स्मरण करने के लिए बहुत सरल होगा, आसान होगा। उसके बाद देखिए 11वां बिंदु, सामवेद का अंग्रेजी अनुवाद जे स्टीवेंसन ने किया था और अथर्ववेद का हिवर्टनी और लैनमेन ने किया था। तो सामवेद जो भी हम वेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वेदों के बारे में बोल रहे हैं, चार वेद, सामवेद का अंग्रेजी अनुवाद जे स्टीवेंसन ने और अथर्ववेद का हिवर्टनी और लैनमेन ने किया था। तो इस प्रकार अथर्ववेद का हिवर्टनी और लैनमेन ने दो रचनाकार मिलकर तो अनुवाद किया है। उसके बाद पश्चिमी रचनाओं के हिंदी अनुवाद, जैसे हम अभी देखें तो भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद देखें, अभी विदेशी रचनाओं का भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद के संदर्भ में देखेंगे, तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि हिंदी में, तो हिंदी भाषा में कितने अनुवाद हुए हैं विदेशी रचनाओं को लेकर। तो यहाँ सबसे पहला बिंदु है शेक्सपियर का नाटक है एक, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत मशहूर है, हम पाठशाला विषय के अंतर्गत भी पढ़े हैं, हिंदी विषय के अंतर्गत मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसका अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, तो साहित्य हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी है विषय, और यहाँ अनुवाद में भी, मतलब दोनों को अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा, और दोनों विषय में भी हमको यहाँ इस विषय काम आएगा। भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है मित्रों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु विषय को किस विषय को लेकर अनुवाद किया था, तो इस रचना को लेकर अनुवाद किया था। तो यहाँ वहाँ आपको चार विकल्प होंगे, तो वहाँ सही विकल्प है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना को दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, यह रचना डैश का है। तो इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, तो वह आप सही विकल्प का चयन करना है शेक्सपियर ने। तो एक विषय को लेकर पांच या छह रूपों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मित्रों आगे बढ़ेंगे हम इस विषय को लेकर, हिंदी अनुवाद दूसरा है। प्रेमचंद ने गर्ल्स वर्थी के नाटकों जैसे जस्टिस को न्याय के रूप में अनुवाद किया था प्रेमचंद ने, बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ। तो उसके बाद सिल्वर बॉक्स को चांदी की डिबिया के नाम से, उसके बाद स्ट्राइक को हड़ताल नाम से अनुवाद किया था। थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ। जैसे प्रेमचंद जी मशहूर रचनाकार हैं, तो इन्होंने विदेशी भाषाओं के विदेशी रचनाओं को हिंदी में अनुवाद किया था, उसमें गर्ल्स वर्दी के नाटक एक है जस्टिस, जस्टिस को उसी रूप में अनुवाद किया है जैसे उसका नाम रखा है न्याय। यह प्रश्न बन सकता है, प्रेमचंद ने गर्ल्स वर्दी की रचना जस्टिस को इस नाम से अनुवाद किया था, तो वहाँ विकल्प होगा सही विकल्प न्याय, उसका चयन करना होगा। उसके बाद सिल्वर बॉक्स को चांदी की डिबिया के नाम से, मतलब उसी को सटीक यथार्थ हिंदी में अनुवाद किया है। उसके बाद स्ट्राइक, स्ट्राइक को हिंदी में हड़ताल कहते हैं, तो उसी रूप में, मतलब उसी नाम देते हुए प्रेमचंद जी ने अनुवाद किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा बिंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हिंदी साहित्य में बहुत उल्लेखनीय नाम है, तो पोप के, मतलब क्रिश्चियन पोप जो है उनके एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो रचना है
उस रचना को समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद या अनुदित किया था। उसके बाद चौथा बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई रचनाओं का अनुवाद किया था हिंदी में, जैसे उसमें हैकल का रिडल ऑफ यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया था। उसके बाद एडविन एर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया था। जैसे प्रश्न बन सकता है इधर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हैकल के रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद इस नाम से किया था, तो उसको विश्व प्रपंच नीचे जो विकल्प है उसका चयन करना होगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया की रचना का अनुवाद इस नाम से किया था, तो वहाँ सही विकल्प का चयन करना होगा, बुद्ध चरित। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद में हैमलेट का अमृत राय ने और रघुवीर सहाय ने मैकबेथ का वर्नम वन नाम से अनुवाद किया था। तो मित्रों, यहाँ दो बातें चर्चा करने के लिए योग्य हैं। तो शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद हैमलेट का इसने अनुवाद किया था, वहाँ चार विकल्प होंगे आपको, तो वहाँ अमृत राय विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद और एक प्रश्न बनने का मौका है उधर, रघुवीर सहाय ने मैकबेथ का अनुवाद इस नाम से किया था, तो वर्नम वन नाम से अनुवाद किया था, तो वर्नम वन रचना इस रचना का अनुवाद है, तो शेक्सपियर के मैकबेथ रचना का अनुवाद है। तो इस प्रकार चार या पांच रूपों में प्रश्न पूछने का मौका मिलता है इस विषय को लेकर। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य में उल्लेखनीय नाटककार है, उल्लेखनीय विभूति है अंग्रेजी साहित्य में। तो शेक्सपियर की जितने भी नाटक हैं उन नाटकों का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है, तो यहाँ दो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो एक हैमलेट है, दूसरा है मैकबेथ। तो मैकबेथ का अनुवाद वर्नम वन नाम से अनुवाद किया गया है रघुवीर सहाय द्वारा, उसके बाद हैमलेट का अनुवाद अमृताय द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है शेक्सपियर की रचनाओं को लेकर। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों के हिंदी में अनुवाद, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद के अंतर्गत साहित्य से जोड़ते हुए, तो विदेशी भाषाओं के रचनाओं को हिंदी भाषाओं में, फिर भारतीय साहित्य या भारतीय रचनाओं को विदेशी साहित्य में, विदेशी भाषाओं में अनुवाद के संदर्भ में चर्चा की है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे संस्कृत धन ग्रंथों के हिंदी में अनुवाद। जैसे हिंदी में अनुवाद अगर हम ध्यान देंगे तो वहाँ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है पहला बिंदु, मध्यकाल में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद हिंदी में महाराजा जयसिंह द्वारा प्रबोध नाटक नाम से अनुवाद किया गया था। जैसे प्रश्न हो सकता है यहाँ, प्रबोध नाटक इसका अनुदित है, इसका अनुदित रचना है, जैसे प्रबोध चंद्रोदय विकल्प का चयन करना होगा। तो जैसे किसने अनुवाद किया है, प्रबोध चंद्रोदय रचना को लेकर किसने अनुवाद किया था, महाराज जयसिंह जयसिंह ने अनुवादित किया था, तो किस नाम से अनुवादित किया था, प्रबोध नाटक नाम से अनुवादित किया था। तो यहाँ फिर दूसरे बिंदु पर जाएंगे हम लोग, सबल सिंह द्वारा महाभारत का दोहा चौपाई छंदों में अनुवाद किया गया था। तो सबल सिंह द्वारा महाभारत का चौपाई छंदों में अनुवाद किया गया। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु है, गोकुलनाथ गोपीनाथ मणिदेव द्वारा सामूहिक रूप से महाभारत का अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का सामूहिक रूप से अनुवाद इनके द्वारा किया गया था, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है इधर। तो मित्रों ध्यान दीजिए, तीनों द्वारा मतलब सामूहिक रूप से तीनों मिलकर यह महाभारत का अनुवाद किया गया है। तो तीनों का नाम है गोकुलनाथ गोपीनाथ मणिदेव, ये तीनों जो हैं यहाँ महाभारत को लेकर तीनों मिलकर अनुवाद किए। तो मित्रों आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर चौथा बिंदु है संस्कृत ग्रंथों की
हिंदी में अनुवाद के अंतर्गत आधुनिक काल में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा, मतलब लक्ष्मण सिंह जो है बहुत उल्लेखनीय विभूति हैं आधुनिक काल में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया है हिंदी में। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद इसने किया था, तो वहाँ सही विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह। फिर दूसरे रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शकुंतला नाटक इन्होंने इनकी है, तो राजा लक्ष्मण सिंह विकल्प का चयन करना होगा। तो इस प्रकार मित्रों, अब ध्यान देते हुए एक ही विषय को तीन या चार रूपों में पूछने का मौका मिलता है वहाँ, तो इसलिए सरल से, मतलब प्राथमिक रूप से जो प्रश्न बनते हैं उस पर ध्यान देते हुए कठिनाई, मतलब जो नेगेटिव प्रश्न कहते हैं यह नहीं है, इसका भी आप ध्यान देना होगा। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों की हिंदी अनुवाद में फिर पांचवा है, लाला सीताराम द्वारा मेघदूत, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित, मालती माधव का अनुवाद किया गया था। तो लाला सीताराम जो है हिंदी में उल्लेखनीय विभूति हैं, उल्लेखनीय रचनाकार हैं, तो संस्कृत के मेघदूत, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित, मालती माधव का अनुवाद किया है। मेघदूत जो है कालिदास जी की रचना है, मृच्छकटिक जो है शूद्रक की रचना है। इस प्रकार जितने भी रचनाएं हैं संस्कृत के ही हैं और हिंदी में अनुवाद किया है लाला सीताराम। तो मेघदूत, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित, मालती माधव संस्कृत रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था, तो इस प्रकार प्रश्न बनता है, तो वहाँ सही विकल्प है लाला सीताराम, लाला सीताराम विकल्प का चयन करना पड़ता है। उसके बाद छठवा बिंदु है, पंडित सत्यनारायण कविरत्न द्वारा उत्तर रामचरित्र और मालती माधव का अनुवाद किया था। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो रचनाकार मालती माधव और उत्तर रामचरित का अनुवाद किया है, एक तो लाला सीताराम जी हैं, फिर छठवां बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद सत्यनारायण कविरत्न द्वारा किया गया है। तो सातवां बिंदु है, बाल मुकुंद द्वारा रत्नावली का अनुवाद किया गया था। तो उसके बाद आठवां बिंदु है, भारतेंदु द्वारा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस ग्रंथ का अनुवाद किया गया था। तो मित्रों बाल मुकुंद द्वारा रत्नावली का अनुवाद किया गया, तो प्रश्न बन सकता है कि बाल मुकुंद द्वारा डैश का अनुवाद किया गया था, तो सही विकल्प है रत्नावली। उसके बाद आठवां बिंदु है, भारतेंदु द्वारा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार यह नौवां बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु ने बंगला से विद्यासुंदर नाटक का अनुवाद किया था। तो भारतेंदु कई रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किए हैं, तो उसमें बंगला भाषा से विद्यासुंदर जी की जो भी नाटक हैं उनके नाटकों का अनुवाद हिंदी में किया था। जैसे प्रश्न हो सकता है यहाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्यासुंदर के नाटकों का अनुवाद, इस प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि भारतेंदु ने बंगला से इनके नाटकों का अनुवाद किया था, वहाँ सही विकल्प होगा विद्यासुंदर। फिर विद्यासुंदर के नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया था, तो वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दसवां बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण वर्मा ने बंगला के वीरनारी, कृष्ण कुमार और पद्मावती का अनुवाद किया था। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ, बंगला के वीरनारी, कृष्ण कुमारी, पद्मावती रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था, तो वहाँ सही विकल्प है रामकृष्ण वर्मा। उसके बाद ग्यारहवां बिंदु है, गोपाल राम गहमरे ने वभु वाहन, विद्या विनोद, रविंद्रनाथ के चित्रांगदा का अनुवाद किया था। तो इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों की हिंदी में अनुवाद
किया गया है, उसमें 12वां बिंदु है। रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता, द्विजेंद्रलाल राय के उस पार, शाहजहां दुर्गादास का अनुवाद किया था। तो यहाँ दो रूपों में प्रश्न पूछने का मौका मिलता है, जैसे रूपनारायण पांडे ने गिरीश बाबू की इस रचना का अनुवाद किया है पतिव्रता, तो उसके बाद द्विजेंद्रलाल राय ने उस पार शाहजहां दुर्गादास का अनुवाद किया था, तो इसको लेकर भी प्रश्न हो सकते हैं। द्विजेंद्रलाल राय ने इन रचनाओं का अनुवाद किया था, उस पार, शाहजहां, दुर्गादास, तीन ग्रंथों से संबंधित जो विकल्प है उसका चयन करना होता है। उसके बाद अनुवाद का महत्व या आवश्यकता पर हम ध्यान देंगे, तो हमको कई पॉइंट्स आएंगे, कई विषय हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। पर्दे पर देखिएगा कि अनुवाद का महत्व या अनुवाद का मतलब अनुवाद की क्या आवश्यकता है या अनुवाद की क्या विशेषताएं, ये तीनों से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहला बिंदु है अनुवाद का महत्व के अंतर्गत, अनुवाद की प्रासंगिकता और विलक्षणताओं के आलोक में संसार भर की भाषाओं में अनुवाद की कई शैलियों और प्रविधियां अपनाई गई हैं। अनुवाद की जो भी प्रासंगिकता है इस संदर्भ में विलक्षणताओं के जो भी आलोक है, तो संसार भर की भाषाओं में अनुवाद की कई प्रकार की शैलियाँ और प्रविधियाँ अपनाई जा रही है। जैसे अगर आप विदेशी अनुवाद साहित्य में जाएंगे तो कई प्रकार की विधियाँ हैं, कई प्रकार की शैलियों को अपनाते हुए कई लक्ष्य भाषा में या स्रोत भाषा से लेकर सामग्री को अनुवाद या अनुवादित कर रहे हैं अनुवादक। तो अपने अपने शैलियों को, अपने अपनी प्रविधियों को, अपने अपनी अनुवाद की विधियों को अपनाते जा रहे हैं अनुवादक। जैसे अगर आप हिंदी या भारतीय भाषाओं को लेकर चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे, तो अनुवादक हमारी संस्कृति, यहाँ के प्रभावित सामग्री को महत्व देते हुए अनुवादित कर रहे हैं दो भाषाओं के साहित्य को लेकर या सामग्री को लेकर। उसके बाद अनुवाद का महत्व और आवश्यकता के अनुसार संदर्भ में दूसरा बिंदु है, यदि अनुवादक साध्यन पूर्वक शब्द और अर्थ की आत्मा का स्पर्श करते हुए स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप लक्ष्य भाषा में अनुवाद उपस्थित करें, तो यही आदर्श अनुवाद होगा। आदर्श अनुवाद तभी होगा जब उस अनुवाद में शब्द और अर्थ की आत्मा का स्पर्श करते हुए स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। जैसे स्रोत भाषा में जो प्रकृति है, स्रोत भाषा में जो शब्द और अर्थ की आत्मा का स्पर्श करता है, मतलब जो भी स्रोत भाषा में सामग्री है उस सामग्री में शब्द और अर्थ का स्पर्श करता है, और स्पर्श करना मतलब शब्द और अर्थ को ध्यान देता है, उसको ध्यान देते हुए लक्ष्य भाषा में अनुवादित करता है, तब उस अनुवाद जो है सफल होगा, मानक होगा, या उसको हम कहते हैं कि सफल अनुवाद के रूप में भी मानते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा बिंदु, संसार के किसी भी देश, भाषा और व्यक्ति के लिए शेष विश्व की तमाम उपलब्धियों से जुड़ने के लिए अनुवाद से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। संसार में किसी भी देश या भाषा और व्यक्ति के लिए शेष विश्व की तमाम उपलब्धियों से जुड़ने के लिए अनुवाद से बेहतर कोई माध्यम नहीं है, तो इससे तात्पर्य यह है कि भारतीय कोई पाठक घर बैठे अनुवादित सामग्री को पढ़ता है, तब उसको महसूस होता है कि विदेशी भाषाओं की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी सांस्कृतिक परिचय या उसके परिवेश
पूरी बातें विदेशी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्र में जितने भी संस्कृतियाँ अपनी जाती है, जितनी भी भाषाएं अपनाई जा रही है, उन सारी बातें घर बैठे पाठक जो है अनुदित सामग्री को पढ़ता है तब महसूस करता है कि तो इस प्रकार के विशेष विश्व के तमाम सारे मतलब लक्षित भाषा और स्रोत भाषा के जो भी परिवेश है जुड़ने का मौका अनुवाद के रूप में ही अनुवाद के माध्यम से ही होता है। उसके बाद चौथा बिंदु है ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संसार की प्रगति और उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी के लिए भी मनुष्य अनुवाद पर निर्भर है। जैसे मित्रों ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संसार की जो भी प्रगति है उपलब्धियां हैं तो उसकी जानकारी के लिए मनुष्य अनुवाद पर निर्भर रहता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप कोई विषय के लिए निर्भर रहना चाहते हैं जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुवाद का ही मतलब अनुवाद पर ही निर्भर रहता है प्रत्येक पाठक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पांचवा बिंदु अनुवाद का महत्व के अंतर्गत शेष विश्व के सामने अपनी पहचान सुरक्षित रखने और अनवरत विकासमान सभ्यता की दौड़ में पिछड़ने के बचने के लिए अनुवाद का उपयोग मनुष्य और समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। तो अनुवाद की एक आवश्यकता है शेष विश्व के सामने अपनी पहचान और सुरक्षित रखने के लिए अनवरत विकासमान सभ्यता की दौड़ में पिछड़ने से बचने के लिए अनुवाद जो है अत्यंत उपयोगी माध्यम रहा मनुष्य के लिए और समाज के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे छठवां बिंदु अनुवाद की आवश्यकता के अंतर्गत नए तकनीकी संसाधनों और अधुनातन अनुसंधानों से परिचित होने के लिए अनुवाद ही सर्वसुलभ माध्यम है। तो अनुवाद से संबंधित जो भी आवश्यकता है इसके अंतर्गत नई तकनीकी जो है संसाधनों और अधुनातन अनुसंधानों से परिचित होने के लिए अनुवाद ही सर्वसुलभ माध्यम रहा है। तो अनुवाद को लेकर ही जो भी पाठक हैं तो तकनीकी से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हम अनुवाद का सहारा लेते हैं। अनुवाद को माध्यम को लेकर तकनीकी में मतलब दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो या दूसरे विज्ञान का क्षेत्र हो कला वर्ग से संबंधित क्षेत्र हो जैसे संगीत का क्षेत्र हो इस प्रकार जितने भी तमाम सारे जितने भी क्षेत्र होते हैं दुनिया भर में लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का सहारा लेते हुए बिना या अनुवाद का माध्यम किए बिना उस क्षेत्र की प्रगति अधूरा है। उसके बाद अनुवाद की आवश्यकता या महत्व के अंतर्गत ध्यान दीजिए सातवां बिंदु अनुवाद की उपयोगिता आज की जरूरत है और अनुवाद आने वाले काल का स्वाभाविक विकास उपकरण होगा। जैसे ध्यान दीजिए अनुवाद की उपादेयता आज की बहुत जरूरी है। वर्तमान काल में जब हम विकास की बात करते हैं तब अनुवाद आने वाले काल का स्वाभाविक विकास का उपकरण होता है। जैसे भविष्य में भूमंडलीकरण जो कहते हैं तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में बहुत एकदम विकास हो रहा है तब अनुवाद का सहारा लेते हुए विज्ञान में या तकनीकी में हम विकास के संदर्भ में या विकास के दौर में अनुवाद का सहारा लेते हुए अनुवाद का माध्यम बनाते हुए विकास करने के लिए मतलब अनुसंधान करने के लिए मौका मिलता है। उसके बाद अनुवाद की इस अपरिहार्य आवश्यकता ने अनुवादक के महत्व को बढ़ाया है।
जैसे अनुवाद की इस अपरिहार्य आवश्यकता, जो भी हम अनुवाद की आवश्यकता कह रहे हैं, तो यह आवश्यकता जो है अनुवादक के महत्व को बढ़ाया है। मतलब अगर आप किसी क्षेत्र के क्षेत्र लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे तकनीकी क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जब अनुसंधान करते हैं कोई सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, तब स्रोत भाषा की जो सामग्री है, लक्ष्य भाषा की सामग्री में जब अनुवाद करता है अनुवादक, तब उस स्रोत भाषा की सामग्री को अनुवाद करते समय अनुवादक को यह अनुवाद की जो आवश्यकता है उसको महसूस करना पड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर के संदर्भ में अगर हम उदाहरण के तौर पर लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं, अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तब अंग्रेज़ी स्रोत भाषा के रूप में रहता है। तब अगर हम हिंदी में उसको अनुवादित करना चाहते हैं, तब अनुवादक उस स्रोत भाषा की जो भी तकनीकी शब्दावली है या तकनीकी भाषा है या तकनीकी आवश्यकता है उसको महसूस करते हुए लक्ष्य भाषा हिंदी में अनुवाद करता है, अनुवादित करता है। तब अनुवादक जो है इस अनुवाद की आवश्यकता को महसूस करते हुए यथार्थ लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। उसके बाद हम और एक विषय पर ध्यान देंगे, अनुवाद का महत्व में, राष्ट्रीय एकता में अनुवाद का महत्व। जैसे हम भारतीय राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, तो वास्तव में एकता लाने के लिए अनुवाद ही सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा भारत जैसे राष्ट्र की एक सूत्र को सही दिशा मिलती है। अनुवाद की सुविधा के अभाव में हम अपने विशाल बहुभाषी राष्ट्र में ही अपरिचित जैसे रह जाते हैं, क्योंकि अनुवाद जो है भारत जैसे बहुभाषी देश में, बहु संस्कृति देश में अनुवाद एक सशक्त माध्यम रहा। तो इस माध्यम में कई भाषाओं की रचनाएं हैं या साहित्य है। जैसे अगर आप बांग्ला साहित्य को लें या हिंदी साहित्य को लें, दक्षिण भारत की मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसे साहित्य को लें, तो साहित्यों में जो भी सामग्री है उस सामग्री को दूसरी भाषा के जो भी पाठक हैं पाठक तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सशक्त माध्यम है अनुवाद। तो अनुवाद के जरिए, अनुवाद की सहायता से, अनुवाद की सहारा से हम राष्ट्र की एकता या राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय एकता में, अनुवाद ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के बंधन में बांध रखा है। जैसे पर्दे पर देखिएगा मित्रों, अनुवाद ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता में बांधने में बंधन में बांध रहा है। जैसे अभी अभी दोहराया था आपको कि कोई स्रोत भाषा की रचना को या सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है, तो वहाँ जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के बंधन में बांध रखा है अनुवाद ने, इसका मतलब ये है। तो दोनों भाषाओं में, दोनों साहित्यों में जो भी लेखक द्वारा कही गई बातें लक्ष्य भाषा में पाठक तक पहुंचाता है। तो इसके जरिए, मतलब अनुवाद की सहायता से, हम राष्ट्रीय एकता बिल्कुल ला सकते हैं। तो कोई भाषा के लेखक से कही गई बातों को दूसरी भाषा की पाठकों तक पहुंचा जा सकते हैं। तो उसके बाद संपूर्ण राष्ट्र को एकता के बंधन में बांध रख सकते हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीयता के सूत्रों को बिखरने से रोक सकते हैं। उसके बाद अनुवाद का महत्व के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति के विकास में अनुवाद का महत्व, जैसे हम राष्ट्रीय एकता को देखें, उसके बाद हम राष्ट्रीय सामाजिक संस्कृति के विकास में,
मतलब संस्कृति विकास करना चाहते हैं तो अनुवाद की क्या विशेषता है? तो यहाँ भारत की इस बहुआयामी संस्कृति को ही सामाजिक कहा गया है, जिसमें चिंतन, सृजन, भाषा, कल्पना और आचरण की तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक अद्भुत सामाजिकता लक्षित होती है। जैसे सामाजिक संस्कृति के विकास की बात जब करते हैं, तब आचरण की तमाम विभिन्नताएं पाई जाती हैं और अद्भुत सामाजिकता लक्षित होती है। तो इस प्रकार मित्रों, तो सामाजिक एकता लाने के लिए, सामाजिक संस्कृति का जब हम विकास करना चाहते हैं, तब अनुवाद अत्यंत महत्व है, अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद भारतीय जनजीवन में व्याप्त अनेकता में विद्यमान सांस्कृतिक समीकरण ही इस सामाजिक संस्कृति की मूलभूत विशिष्टता है। उसके बाद भारतीय संस्कृति में भारत की विविधताएं अपनी संपूर्ण मौलिकता के साथ गुंथी हुई है। उसके बाद और एक बिंदु है, सामाजिक संस्कृति की इस समन्वयात्मक चेतना का विकास करने में अनुवाद का महत्व अप्रतिम है। उसके बाद ध्यान दीजिए मित्रों, अनुवाद के बिना हम कैसे जान पाते हैं कि मौजूदा भारतीय साहित्य और चिंतन की दिशाओं में अग्रसर हैं? तो इस प्रकार मित्रों, अनुवाद के बिना, मतलब अनुवाद की सहायता के बिना हम सामाजिक संस्कृति का विकास या राष्ट्रीय एकता या तकनीकी में विकास, संस्कृति में, साहित्य में, शिक्षा में, कला में, विज्ञान में बिल्कुल विकास नहीं ला सकते हैं। अनुवाद ही एकमात्र साधन या माध्यम है, तो संपूर्ण रूप से हम विकास लाने में सहायता मिलती है। तो मित्रों, अगले विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।